पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ हमारे एक नए प्रोग्राम एसएससी सीजीएल पार्ट 3 के लिए जॉब अश्योर, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है फॉर टीयर 3 प्रिपरेशन। ये स्टार्ट हो रहा है 17 अप्रैल से और ये कंप्लीट पैकेज है फॉर टीयर 3 प्रिपरेशन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ऑन द 17th of April। एग्जाम जो है वो मई में होगा। क्लियरली मेंशन किया गया है रीशेड्यूलिंग ऑफ एग्जामिनेशन, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017, टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर। टीयर 3 एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2017, जिसको अर्लियर शेड्यूल किया गया था 31 मार्च के लिए, उसको अब स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, एंड नाउ इट विल बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ मे 2018। एग्जैक्ट डेट जो है एग्जामिनेशन की, इट विल बी अनाउंस शॉर्टली। तो अब मैं आपके साथ बात करती हूँ कि टीयर 3 की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। आप एक टीयर 1 दे चुके हैं, टीयर 1 में आपकी 4 चीज़ें टेस्ट की गई, ओके, रीजनिंग टेस्ट की गई, आपकी मैथ्स टेस्ट किया गया, इंग्लिश टेस्ट की गई, जीके टेस्ट किया गया, जीके में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, वो सभी पैरामीटर्स चेक किए गए। उसके बाद आपने एक टीयर 2 दिया, टीयर 2 में आपकी इंग्लिश और मैथ्स का अच्छा खासा टेस्ट हुआ। क्या आवश्यकता है टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव की? टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव जो है ये आपकी राइटिंग एबिलिटीज चेक करता है, और राइटिंग एबिलिटीज में केवल सिंपल लिखना नहीं होता, उसमें आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, ओके? अगर आपकी क्रिएटिविटी जज करनी हो तो आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर भी प्रकाश डाला जाता है। क्या आप ऐसे हैं कि आपके दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका क्या है? देखो, अब आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आपको मेल्स भी लिखनी होंगी, आपको लेटर्स भी लिखने होंगे, आपको रिपोर्ट्स भी लिखनी होगी, आपको बहुत सारा मटेरियल देकर कहा जाएगा इसकी जरा समरी बना दीजिए, ये सभी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक है? तो अब उसके लिए आपकी राइटिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं, क्या आप सही तरीके से सेंटेंस लिख पाते हैं, या आपकी ग्रामर इन प्लेस नहीं है, आपकी स्पेलिंग इन प्लेस नहीं है, तो दिक्कत हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, अलग अलग दिशाओं से दुनिया भर के थॉट्स आ रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आइडिया तो मेरे पास था पर मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया। ऐसे भी लोगों की आवश्यकता नहीं है एसएससी को। आपके जो थॉट्स हैं उनको कितने इफेक्टिव और बढ़िया ढंग से एक सूत्र में पिरोकर, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से लिंक कर के कितने बढ़िया तरीके से आप पेपर में प्रेजेंट कर पाते हैं, यही टेस्ट होता है राइटिंग एबिलिटीज का। क्या आप बेसिक फॉर्मेट्स जानते हैं? अगर इनफॉर्मल लेटर लिखना है तो कैसे लिखना है, फॉर्मल लेटर लिखना है तो कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे करना है, क्या पूरे का पूरा जो लेटर है वो एक ही उसकी बॉडी होनी चाहिए, या बॉडी को मैं 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करूं, 4 पैराग्राफ्स में डिवाइड करूं, ओके, ये सारी चीज़ें। क्या आपको बेसिक फॉर्मेट प्रेसी का आता है, रिपोर्ट राइटिंग का आता है? साथ ही साथ आपका कॉमन सेंस कैसा है, आपको बेसिक जनरल अवेयरनेस है या नहीं है, या फिर आप एक आइडियलिस्ट दुनिया में ही जी रहे हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। उस तरह की भी चीजें पसंद नहीं की जाती हैं जो हर कोई बस कमियां ढूंढे, और सुझाव अगर आपको सुझाव देने की बात की जाए तो आपके पास कोई आइडिया ही ना हो। ये सभी चीजें टेस्ट होंगी आपके राइटिंग एबिलिटीज के टेस्ट में, ओके? आपकी ग्रामर, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है सेंटेंसेस का, वोकैबुलरी कैसी है, स्पेलिंग की नॉलेज कैसी है, आपको कितने आइडियाज आते हैं, उनको आप कितने बढ़िया तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, पूरी चीजों को कितने अच्छे से ब्लेंड कर पाते हैं, सब कुछ टेस्ट होता है। साथ ही साथ अनसूटेबल कैंडिडेट्स को भी एलिमिनेट किया जाता है। एसएससी जो है एक मिनिमम कट ऑफ जरूर डिक्लेयर करती है। मान लीजिए कि मिनिमम कट ऑफ जो है वो 35 मार्क्स है या 32 मार्क्स है, इसके नीचे स्कोर करने वाले कैंडिडेट्स जो है वो बाहर हो जाते हैं, भले ही उन्होंने टीयर 1 और टीयर 2 में कितना भी अच्छा स्कोर किया हो। इसलिए टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव जो है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसको क्लियर भी करना है और उसके बाद इसमें बहुत अच्छा स्कोर भी करना है, क्योंकि ओवरऑल ये आपके स्कोर में जुड़ेगा और आपको आपके पसंद का जो डिपार्टमेंट चाहिए उसको अलॉट करवाने में आपकी हेल्प करेगा। अब राइटिंग एबिलिटीज जो हैं वो काफ़ी सारे एग्जाम्स में टेस्ट होती हैं, लेकिन हर एग्जाम में जो टेस्टिंग का लेवल होता है वो अलग होता है, वो डिफरेंट होता है। आपका जो MTS लेवल का एग्जाम होता है ये क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, इसमें PN ड्राइवर्स वगैरह आते हैं, उसमें भी राइटिंग एबिलिटीज़ का टेस्ट होता है। जो CHSL का एग्जाम होता है वो लोअर डिविजन क्लर्क के लिए होता है, लेकिन उसमें भी आपकी राइटिंग एबिलिटीज़ का टेस्ट होगा। CGL जो है ये ऑफिसर्स के लिए होता है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम, इसमें इंस्पेक्टर असिस्टेंट वगैरह बनते हैं, उसमें भी राइटिंग एबिलिटीज का टेस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे आप एक हायर पोजीशन पर चले जाते हैं, आपकी लीडरशिप एबिलिटीज, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, उस तरह की चीजें जो हैं वो ज्यादा असेस की जाती हैं थ्रू योर राइटिंग एबिलिटीज। सिमिलरली यूपीएससी में
का जो एग्जाम होता है आईएएस ऑफिसर्स बनने के लिए, आईपीएस ऑफिसर्स बनने के लिए, उसमें भी आपकी राइटिंग एबिलिटीज का टेस्ट होता है, पर हर एक लेवल की जो राइटिंग स्किल्स हैं वो एक अलग लेवल की होती हैं, ठीक है। एमटीएस लेवल जो है आपका बिल्कुल निचला लेवल है, ठीक है, ये जो आपके क्लास फोर एम्प्लॉयज हैं, लेकिन इसमें भी आजकल एमए भी एग्जाम्स दे रहे हैं, आजकल पीएचडीज भी एग्जाम दे रहे हैं, एमकॉम्स भी दे रहे हैं, बीटेक्स भी दे रहे हैं, बेरोजगारी का लेवल इतना ज्यादा है, तो आपको अपने आप को तैयार करना है इस लेवल के लिए, और आपको समझना है कि सभी लेवल्स में डिफरेंस क्या है। अब मैं आपके साथ कुछ पेपर्स लेती हूं जिससे कि आपको यह चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ये यूपीएससी का पेपर है और यूपीएससी ने अपने पेपर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है। सेक्शन ए में क्या कहा गया है, भारत के अधिकतर कृषकों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का एक सक्षम स्रोत नहीं रही। ओके अब यहां पर देखो, फार्मिंग हैज लॉस्ट द एबिलिटी टू बी अ सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस फॉर मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। इसमें आपको करंट इवेंट्स की भी थोड़ी नॉलेज चाहिए, अगर सरकार जो है वो कोई स्कीम्स वगैरह ला रही है किसानों के लिए, तो आपको जो सुसाइडल डेथ्स हो जाती है, जो लोग किसान सुसाइड कर लेते हैं, उनके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ कैसे कितने प्रतिशत लोग हमारे जो जनसंख्या के हैं वो कृषि में इन्वॉल्व है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि अब ये जो ये जीवन निर्वाह के लिए एक सही स्रोत नहीं रह गई है, आपको इस टॉपिक को बहुत सारे एंगल से एक्सप्लोर करना होगा। आपको अपने आसपास की जानकारी होनी चाहिए कि किसानों से संबंधित दिक्कतें क्या हैं, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि जीवन निर्वाह का एक अच्छा स्रोत, तो इसमें आपका कॉमन सेंस, आपकी कितनी जनरल अवेयरनेस है, प्लस करेंट में जो चीजें हो रही है उनका आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होगा ऐसे में। नेक्स्ट वाला अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर टॉपिक दिया है, भारत में संघ और राज्यों के बीच राजकोषीय संबंधों पर नए आर्थिक उपायों का प्रभाव, क्लियरली इसमें मेजर किया गया है, न्यू इकोनॉमिक मेजर्स। तो फिर इसमें आप इस टॉपिक को अटेम्प्ट करने के लिए आपको बहुत सारी करंट इवेंट्स की जानकारी होनी चाहिए, अगर सरकार की कोई नई स्कीम्स आई हैं, पॉलिसीज आई हैं, टाई अप्स वगैरह में उनकी जानकारी हो। अब डेस्टिनी ऑफ अ नेशन इज शेप्ड इन इट्स क्लासरूम, इसमें करंट की बहुत ज्यादा नॉलेज आपको नहीं होनी चाहिए, पर एजुकेशन जो है उसको आपको अलग अलग एंगल्स से एक्सप्लोर करना होगा। विलेज एजुकेशन में जो बच्चा छठी क्लास में एबीसी सीख रहा है, क्या हम उसको कम्पीट करवा सकते हैं कैसे बच्चे से जो बहुत छोटी क्लासेस से कॉन्वेंट स्कूल्स में जा रहा और फर्रांटेदार इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। हमारे यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है, हमारे जो रिसर्च है उसका क्या हाल है, हमारे साइंटिस्ट का क्या हाल है, हमारे यहाँ इतने सारे स्कूल ड्रॉप आउट्स क्या हैं, सर्वशिक्षा अभियान, दुनिया भर की चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। हालांकि इसमें करंट न्यूज़ का कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। उसके बाद हैज़ द नॉन अलाइंड मूवमेंट लॉस्ट इट्स रिलेवेंस इन अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, तो यहां पर जो यूपीएससी टॉपिक देता है उसमें आपको अखबार पढ़ने की भी आवश्यकता होती है, लेकिन अखबार पढ़ने के साथ साथ आप में वो स्किल्स हो कि अखबार से आप उन चीजों को पिक कर पाए जो आपके ऐसे के हिसाब से रेलेवेंट होंगी। ओके देखो, बहुत सारे हमारे ऐसे बीटेक के स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स इंजीनियर्स होंगे जो इन टॉपिक्स पर बहुत अच्छा लिख पाएंगे क्योंकि वो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन यही जो स्टूडेंट हैं, ये जो एनालिटिकल जिसके बारे में मैं बात करती हूँ, सेक्शन बी के अगर आप टॉपिक्स देखें, जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसमें आपको कोई करंट न्यूज नहीं चाहिए, कोई फैक्ट्स नहीं चाहिए, कोई फिगर्स नहीं चाहिए, कोई डाटा आपको इस टॉपिक के लिए नहीं चाहिए। यहां पर तो एक ही बात आप कहेंगे कि किस प्रकार से जॉय इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसमें आपको लोकतिया मुहावरे चाहिए, प्रोवर्ब्स चाहिए, सुंदर सुंदर वर्ड्स चाहिए आपकी वोकैबुलरी में जो आपको एक्सप्रेस कर पाए, ऐसी बातें जो दिल को छू जाए वो आपको लिखने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला है, फुलफिलमेंट ऑफ न्यू वुमेन इन इंडिया इज अ मिथ, वी मे ब्रेव ह्यूमन लॉज बट कांट रेजिस्ट नेचुरल लॉज, सोशल मीडिया इज इनहेरेंटली अ सेल्फिश मीडियम। देखो, यूपीएससी जो है वो तो आपको चॉइस दे रही है, आपको एक टॉपिक पसंद नहीं तो आप दूसरे पे चले जाओ, दूसरा भी पसंद नहीं आप तीसरे पे चले जाओ, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया। हालांकि एसएससी का एग्जाम एक ही बार हुआ है टीयर थ्री, लेकिन एसएससी ने ऐसा नहीं किया था, ठीक है। तो हर प्रकार का टॉपिक जो है उस पर आप लिखने में सक्षम हो। कुछ एक स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि नहीं नहीं मैम, मुझे तो अगर आप करंट का टॉपिक दे तो फिर मैं बहुत अच्छा लिख देता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कोई इस प्रकार का टॉपिक दे दे कि भीतरी सुंदरता जो है वो बाहरी सुंदरता से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं कुछ नहीं लिख पाऊंगा, मेरे दिमाग में आइडियाज हैं पर मैं लिख नहीं पाऊंगा। देखो, अगर आपको लगता है कि आप बहुत सारी जो करंट की स्कीम्स हैं या करंट न्यूज में चीजें चल रही हैं या अखबार पढ़ के बहुत अच्छा लिख पाएंगे, तो आप इस गलतफहमी को अपने दिल से निकाल दीजिए। आपको अच्छा लिखने के लिए लिखना ही पड़ेगा,
यू हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स. आपको पेपर्स लिखने होंगे, आपको उनको बाकायदा चेक कराना होगा, एक अच्छा फीडबैक लेना होगा, उन फीडबैक के ऊपर काम करना होगा, सुधार करना होगा. इवेंचुअली फिर आपकी राइटिंग स्किल्स जो है सुधरेंगी और इससे आपके स्कोर में मेजर फर्क पड़ेगा. ये यूपीएससी के पेपर्स थे जो आपके एनालिटिकल स्किल्स, आपकी लीडरशिप स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उन सभी चीजों को चेक कर रहे थे. यहां पर मैं आ गई एसएससी सीजीएल के टियर 3 प्रीवियस ईयर पेपर पर. अब यहां क्लियरली आपको दिया गया है, इन द इवेंट ऑफ एन अर्थक्वेक फॉर योर सेफ्टी व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू. आपको बहुत अच्छे से पता है अर्थक्वेक क्या है. अर्थक्वेक है भूकंप, भूमि का कांपना, उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं. लेकिन अर्थक्वेक के दौरान आपको क्या करना चाहिए, आप किसी भी एनसीईआरटी बुक को उठा लीजिए, छठी सातवीं आठवीं में ज्योग्राफी की जो बुक है उसमें क्लियरली दिया होगा. ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती है ना, बेसिक बेसिक सी चीजें, कि कोई आदमी डूब रहा है उसको क्या फर्स्ट एड देंगे आप, भूकंप आ गया क्या करेंगे आप. ओके, इस तरह की जो चीजें होती हैं आपको पता होनी चाहिए. ये बेसिक कॉमन सेंस में चीजें आती हैं. इस तरह के देखो, एक तो एसएससी ने कोई भी चॉइस ही नहीं दी आपको. ओके, आपको यही टॉपिक अटेम्प्ट करना है. और आप ना तो ये कह सकते कि टॉपिक बड़ा मुश्किल है. टॉपिक तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. स्पष्ट रूप से आपसे पूछा गया है कि बताओ भूकंप के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या आपको सीढ़ियों का प्रयोग करना चाहिए, क्या आपको खुले में ले जाना चाहिए, अगर आप गाड़ी में है तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप जंगल में है तो आपको क्या करना चाहिए, आप चौथी मंजिल पर है तो क्या आपको लिफ्ट से नीचे आना चाहिए. ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इसमें कवर अप कर सकते थे. और याद रखो, चॉइस नहीं है तो अच्छी खासी तैयारी करो. ये मत सोचो कि मैं करंट न्यूज के से रिलेटेड चीजें पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. एसएससी का जो पेपर था इसमें वर्ड लिमिट आपकी 250 वर्ड्स की थी, मार्क्स आपके 50 मार्क्स के थे. ओके, नेक्स्ट आपको लेटर राइटिंग दी गई. लेटर राइटिंग में कहा गया साफ स्पष्ट कि अज्यूमिंग कि आप सुरेश या सीमा हैं, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर नरेश हाईलाइटिंग द डिस्टिंक्ट बेनिफिट्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट. शब्द सीमा 150 शब्द और मार्क्स 50 मार्क्स. बार बार लिखो, टाइम करके लिखो, एग्जैक्टली इसी शब्द सीमा में लिखने की कोशिश करो. जब आप एक्सेस लिख देते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है. ओके, और जब आप बहुत छोटा लिखते हैं तो भी गड़बड़ हो जाती है. जो एसएससी मांग रहा है उसको एग्जैक्टली वही दो. भाई आपने इतनी सारी पढ़ाई की, अब आप 24-25 साल के हो गए हैं, सारा तामझाम एक नौकरी पाने के लिए था ना, तो नौकरी पाने के लिए जो भी अस्त्र शस्त्र हथियार चाहिए सब आपके तरकश में हो. और एसएससी टियर 3 के लिए जो जो चाहिए, आपको एग्जैक्ट वर्ड लिमिट में लिखना आता हो, सही सेंटेंस स्ट्रक्चर, सही ग्रामर, सही प्रेजेंटेशन स्किल्स, सही नॉलेज, कॉमन सेंस, उन सभी चीजों को पिरोकर आप अपना ऐसे लिखिए. यहां पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं एसएससी सीएचएसएल का 2016 का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आया था. डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो ये हुआ था 9 जुलाई 2017 को. यहां पर भी देखो, नो चॉइस. आप इस चीज को नोट करें, एसएससी विकल्प नहीं दे रही है. कोई चॉइस नहीं थी. आपको लेटर लिखना था टू अ फ्रेंड अबाउट डिजिटल इंडिया और ये आपको लिखना था 200 शब्दों में. उसी प्रकार से आपको ऐसे लिखना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर भी, ये भी आपको 250 वर्ड्स में लिखना था. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर क्या सरकार को जरूरत आम पड़ी कि सरकार को ये लॉन्च ही करना पड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. हमारे समाज की क्या, हमारे समाज का क्या नजरिया है बेटियों के प्रति, क्या ये कुछ एक स्टेट्स में ज्यादा भयंकर रूप ले रखा है इसने, ये स्कीम कब लॉन्च हुई, क्या क्या इसका असर पड़ा, क्या स्कीम से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है. तो इस तरह से आप वेरियस एंगल्स से टॉपिक को एक्सप्लोर करें. हर टॉपिक के बहुत सारे एंगल्स होते हैं. आपको एक बार पहले बार देखने में लगा कि शायद मुझे नहीं आता, लेकिन फिर जब आप शांत मन से सोचेंगे और जब आपने इससे पहले काफी सारे एसेज प्रैक्टिस किए होंगे, फीडबैक लिया होगा टीचर से, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में आइडियाज आएंगे. ये CHSL 2015 का पेपर है. SSC CHSL 2015 ऐसे लिखिए, स्वच्छ भारत मिशन पर 250 वर्ड्स में. राइट अ लेटर इन 200 वर्ड्स टू स्पोर्ट्स सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर गिविंग योर असेसमेंट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया इन रियो ओलंपिक गेम्स एंड सजेशन ऑन हाउ टू इम्प्रूव द नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स. उस वक्त ओलंपिक गेम्स हाल ही में हुए थे, 2016 के रियो ओलंपिक्स. ओके, यस, ऐसा अक्सर होता है जब हमारे ओलंपिक्स होते हैं, हम शोर मचाते हैं, इतनी बड़ी आबादी, इतने कम मेडल, हम तो छोटे छोटे कंट्री से भी पीछे रह गए, ये तो स्पोर्ट्स पे खर्चा ही नहीं करना चाहिए, हमें तो डूब मरना चाहिए, बड़े शोर मचाते हैं आप. लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप सुझाव दीजिए, क्योंकि क्लियरली लेटर में देखो सजेशंस मांगे गए हैं, सजेशंस मांगे गए हैं कि किस प्रकार से सुधार किया जाए. अब आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, आपसे सुझाव भी मांगे जाएंगे, तो क्या आप सुझाव दे पाएंगे. बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मांगे गए हैं देखो यहां पर सजेशंस, काफी बार मांगे जाते हैं रिकमेंडेशंस, आप एक जनरल सा पत्र लिख देते हैं,
ठीक से क्वेश्चन को समझें आप, रिलेवेंट लिखें आप, और जब आप कुछ एक ऐसे लिख लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कहां गड़बड़ हो रही है। तभी मैं बार बार आपके प्रैक्टिस करने के ऊपर, उसको इवैल्यूएट करने के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रही हूं। ये एसएससी सीएचएसएल 2015 का पेपर है, जो हाल ही में ओलंपिक्स हुए थे उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन आया हुआ है। अब एसएससी एमटीएस देखो, ये 28 जनवरी 2018 का पेपर है जो हुआ था। यहाँ पर राइट एन एसे इन 250 वर्ड्स या फिर आपको लेटर लिखना है, यहाँ पर आपको चॉइस दी गई थी 50 नंबर का 30 मिनट में। ऐसे के लिए टॉपिक्स बड़े सिंपल सिंपल हैं, रेनी सीजन है, मोबाइल्स हैं, एजुकेशन एंड लाइफ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ गुड सिटीजन है, और लेटर के लिए राइट अ लेटर टू योर फादर अबाउट गोइंग ऑन अ ट्रिप टू जयपुर, राइट अ लेटर टू इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अबाउट नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम। देखो, लेटर लिखने से पहले क्या आपने प्लान किया, क्या आपने उनको बताया कि लास्ट बिल इस तारीख को आया था और उसके बाद भी लाया ही नहीं, इससे संबंधित मैं 2-3 बार आपके डिपार्टमेंट में आ चुका हूं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखो, काफी बार आपको जो इस तरह के लेटर्स लिखने होते हैं ना, लॉ अथॉरिटीज हुए या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हुए, आपको वो प्लान भी करने हैं, और जब आप लेटर्स लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि इस लेटर में मुझे क्या क्या इंक्लूड करना था। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट इनवाइटिंग हिम टू अ समर वेकेशन, राइट अ लेटर टू लाइब्रेरी ऑफ योर स्कूल टू परचेज न्यू स्टोरी बुक्स। ओके, तो ये आपको एमटीएस में दिए गए थे, और अगर आप इनको ध्यान से देखें तो सारे ही बड़े सिंपल से हैं जो आपकी राइटिंग स्किल्स को टेस्ट करेंगे। अब यहां पर मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताना चाहती हूं, इन एडिशन टू अबव द कमीशन हैज आल्सो डिसाइडेड टू इंडक्ट अ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी एज टियर 3, और उसके डिटेल्स क्या है। एक तो आपका ये जो पेपर होगा ये पेन एंड पेपर मोड होगा, आपको राइट लिखना होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश या हिंदी में होगा। हालांकि हमारा जो फोकस है वो लेटर और एसे पर है, और एक दो पेपर्स हम आपको ऐसे जरूर देंगे जिसमें आपकी प्रेसी राइटिंग और आपकी रिपोर्ट राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि क्लियरली यहां पर कहा गया है डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश या हिंदी में होगा जिसमें कि राइटिंग ऑफ एसेज, प्रेसी, लेटर, एप्लीकेशन एटसेट्रा। ओके, फोकस तो आप लेटर और ऐसे पर कीजिए, पर इसके अलावा प्रेसी कैसे लिखी जाती है, रिपोर्ट राइटिंग कैसे होती है, ये भी पूछा जा सकता है। टोटल मार्क्स 100 नंबर, टाइम 60 नंबर। फॉर विजुअली हैंडीकैप एंड कैंडिडेट सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पैलसी यहां पर होगा आपका 80 मिनट का टाइम। अब यहां पर देखो, ये लाइन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, द कैंडिडेट विल नीड टू क्वालिफाई ऑल द टीयर्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सेपरेटली। यस, आपने टीयर 1 क्वालिफाई किया ना, आपने आपको बताया गया ना कि इतनी जनरल की कट ऑफ है, इतनी ओबीसी की कट ऑफ है, उसके बाद आप टीयर 2 में आए, टीयर 2 में भी आपको एक कट ऑफ के बारे में जानकारी दी जाएगी, फिर इसके बाद आप सिमिलरली टीयर 3 में जाएंगे तो टीयर 3 में भी एक कट ऑफ होती है। टीयर 3 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें बहुत अच्छा स्कोर करके पूरी ही बाजी मार जाते हैं। मान लीजिए आपने टीयर 1 में 170 भी स्कोर किया है, टीयर 2 की इंग्लिश में आपने स्कोर कर लिया, बहुत अच्छा स्कोर किया है, आपने स्कोर किया है 180, और सिमिलरली मैथ्स में भी आपने 180 स्कोर कर लिया है, तो कितने हो गए आपके, यहां पर हो गया आपका 8 + 8 = 16, 16 + 7 = 25, 1, 2, 3, 4, 5, 550 मान लीजिए आपने स्कोर कर दिया है। लेकिन टीयर 3 में आपका स्कोर अच्छा नहीं है, तो फिर आप टीयर 3 में अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि टीयर 3 में एक आपका क्वालिफाइंग भी होता है कि आपको मिनिमम एसएससी डिसाइड करेगी कि 30 मार्क्स है, 35 मार्क्स है, 33 मार्क्स है, आपको वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने हैं, और उसके बाद ही आपका एग्जाम जो है वो क्लियर माना जाएगा। अगर आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आपका सारा प्रोग्राम अटक जाएगा, बाय बाय होम हो जाएगा। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानती हूं कि टीयर 1 में तो मैम मैं बहुत सीरियस ही नहीं था, मैंने लगा चलो फॉर्म भर के देख देते हैं, जब क्लियर हो गया तो टीयर 2 में मैं सीरियस हो गया और मेरे इंग्लिश में आ गए 170 और सिमिलरली मेरे मैथ्स में आ गए 180, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए कि उसके टीयर 1 में थे केवल 140 सपोज, और इस स्टूडेंट ने फिर फाइनली 72 या 74 या 75 मार्क्स लेकर आया ये टीयर 3 में, और इसने मेजर जंप लगाया, इसने टीयर 1 का लॉस भी जो है वो काफी हद तक कवर अप करने की कोशिश की। टीयर 3 को आप बहुत ही गंभीरता से लीजिए, ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। आपको मिनिमम स्कोर तो लेकर आना ही है, साथ ही इसमें जो आप स्कोर करेंगे वो आपके ओवरऑल टोटल में जुड़ेगा, आपको जो डिपार्टमेंट चाहिए वो उसको आपको उसके करीब लेके जाएगा, बल्कि आपको डिपार्टमेंट वो दिलाएगा। अश्योर टीयर 3 प्रोग्राम एग्जैक्टली है क्या, पिनाकल आपकी कैसे मदद कर सकता है, आइए हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो नया बैच स्टार्ट हो रहा है, आप इसकी डेट नोट करें, 17th of April, ट्यूजडे। ये एक डे वाइज सिस्टमैटिक प्रोग्राम होगा
बाद जिसमें कि आपको पूरा शेड्यूल भेजा जाएगा किस डेट को आपको क्या करना है. इट विल स्टार्ट 17th April. आप इन्फॉर्मल लेटर की फॉर्मेट देखिए, उससे रिलेटेड वीडियोज देखिए, आपको ये टेस्ट कोड करना है. इस तरह से पूरा एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम आपकी मेल में आएगा जिसको आपको फॉलो करना है. ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है. आप भारत के किसी भी कोने में हो, भले ही आप नॉर्थ ईस्ट में हो, साउथ में हो, जम्मू कश्मीर में हो, अगर आपके पास एक अच्छा मोबाइल फोन है विद गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी तो आप अपने घर बैठे ही इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. हमें अपने पेपर्स भेज सकते हैं, हम पूरे एसेस करके आपको एक प्रॉपर फीडबैक देंगे. ये जो प्रोग्राम है इट इज बेस्ड ऑन डेवलपिंग राइटिंग एबिलिटी, क्योंकि जो टीयर 3 का जैसे कि मैंने आपको बताया पूरे का पूरा जो प्रोग्राम है वो ये जांचता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी हैं. तो जॉब अश्योर टीयर 3 प्रोग्राम जो है ये फोकस करेगा ऑन डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स. और ये राइटिंग स्किल्स कब डेवलप होंगी? ये राइटिंग स्किल्स तब डेवलप होंगी जब आप बाकायदा लिखेंगे, आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, जो फीडबैक दिया जाएगा उसमें जो कमियां बताई गई हैं उस पर आप काम करेंगे. आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप करने के लिए 20 मॉक टेस्ट्स हैं. उसके बाद आपके जो पेपर्स हैं आप आंसर शीट हमें अपलोड करके भेजेंगे, हम उनको इवैल्यूएट करेंगे. साथ ही आपको नॉलेज इनपुट्स भी देंगे. ये नॉलेज इनपुट्स कैसे दिए जाएंगे? जो प्रीवियस ईयर टॉपर्स हैं उनके काफ़ी सारे पेपर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं ताकि आपको और आइडियाज़ मिलें. साथ ही साथ टॉपर्स की शीट्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, वीडियोज़ बनाए जाएंगे ताकि आप एग्जैक्टली जान सके कि आप कहाँ खड़े होते हैं, आपके पेपर में क्या कमी रह गई, और वो जो दूसरा स्टूडेंट टॉपर बना है उसके पेपर में ऐसा क्या एडिशनल था, ऐसा क्या आउटस्टैंडिंग था कि वो टॉपर बना. प्रीवियस पेपर्स, आंसर शीट्स शेयरिंग, बहुत सारे पेपर्स आपके साथ शेयर किए गए हैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, ताकि आप जान सके कि दूसरे स्टूडेंट्स किस प्रकार से लिख रहे हैं. अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत पुअर हैं, आपको लगता है कि मेरी राइटिंग स्किल्स तो बहुत कमजोर हैं, कोई आइडिया ही नहीं आते, एक सेंटेंस भी ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स हैं, स्पेलिंग एरर्स हैं, ऐसा होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ क्योंकि आप काफ़ी टाइम बाद ऐसे लिख रहे होंगे, तो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करने के लिए हमारा प्रोग्राम है जीरो टू हीरो प्रोग्राम. ये भी जॉब अश्योर टीयर 3 प्रोग्राम का हिस्सा है. जो स्टूडेंट्स काफ़ी वीक हैं पहले वो जीरो टू हीरो प्रोग्राम ज्वाइन करें, वहां पर लिखें. वहां पर आपको पहले सेंटेंसेस लिखवाए जाएंगे, फिर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखवाए जाएंगे, आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा और उसके बाद आप मेन प्रोग्राम की ओर बढ़ें. कैसे ज्वाइन किया जाए, दैट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. जो हमारे हार्ड ड्राइव कोर्स के स्टूडेंट्स हैं दे डोंट नीड टू ज्वाइन. जो ऑनलाइन कोचिंग बैच के स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन कोचिंग कोर्स के उनको भी ज्वाइन नहीं करना है, या फिर जो जॉब अश्योर टीयर 3 2018 के हैं उनको भी ज्वाइन नहीं करना है. जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो 1500 रुपये देकर इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं. ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए. वेबसाइट है हमारी SSC CGL Pinnacle.com. ये हमारी वेबसाइट है SSC CGL Pinnacle.com. आप यहां जाइए. जब आप यहां पर जाएंगे हमारी वेबसाइट पर, यहां पर आपको मिलेगा SSC CGL Job Assure Tier 3. ओके, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए. जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको ले जाएगा पेमेंट गेटवे पर, और वहां पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एटसेट्रा से आप जो पेमेंट करनी है आप वो पेमेंट कर दीजिए. एक बार आपने पेमेंट कर दी विद इन 2 वर्किंग आवर्स, ओके, 2 वर्किंग आवर्स के अंदर आपके पास सारा स्टडी मटेरियल आपके मेल में आ जाएगा. और हमारे जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो 9 to 5 होते हैं. ओके, जब स्टडी मटेरियल आपके पास मेल में आ जाएगा आप रजिस्टर कीजिए और अपनी तैयारी को आप शुरू कीजिए. तो ये सारा प्रोग्राम होगा. हमने टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज किया है चीजें आपके लिए कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल बनाने के लिए. सो आई होप यू आर गोइंग टू इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.